हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकदम पुराने जमाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है, जो बहुत अच्छी लगती है और हर त्योहार पे, हर किसी भी शुभ कार्य पे वही बनाई जाती है। लाइक कुछ भी, कोई सी लड्डू पेड़े, कोई सी मिठाई हो, उसके आगे सब फेल है। जिसके लिए देखिए, मैंने सामग्री लिए वो है 1 कप दलिया, 1/2 कप घी, 2 चम्मच कटे हुए बादाम, 2 कटे हुए काजू, किशमिश, 2 कुटी हुई इलायची, सौंफ और गुड़ का पाउडर। इन सबसे हम बनाएंगे राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी डिश मिठाई लापसी, जो इस प्रकार के मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है, उसको ऑन करेंगे और इसके अंदर हम 2 चम्मच घी डालेंगे और इसको मेल्ट होने देते हैं अच्छे से। और एक भगोने में हमने पानी गरम किया है, पानी किया गरम, जिसको हम इसमें डालेंगे, वो भी गरम हो रहा है। 2 कप पानी लिया है हमने, कि हमारा घी मेल्ट हो रहा है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है। देखिए, हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें ये मैंने 2 इलायची जो कूटी हुई है, अधकचरी, मतलब पूरी एकदम पाउडर नहीं बनाना, अधकचरी कूटना है, वो डाली है। ये सौंफ डाली है और ये 1 कप दलिया डाला है। इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। देखिए, सारे घी में ये हमारा गेहूं का जो दलिया है वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसको हम धीमे धीमे आंच पे ही ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाते हुए सेकेंगे कि ये अच्छे से सिक रहा है। इसी टाइम में हम अभी इसमें ये 1/2 कटे हुए बादाम हैं, जो 1/2 इसमें अभी डाल देंगे और ये काजू भी डाल देंगे कि इसमें ये थोड़े अच्छे से सिक भी जाएंगे, इसके साथ साथ इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और थोड़े से किशमिश भी डाल देंगे और इन सबको हम लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा दलिया अच्छे से सिक गया है। देखिए, ब्राउन होने लग गया, इसका कलर चेंज हो गया है। इसको आप गैस धीमी आंच पे ही चलाते हुए सेकना, नहीं तो ये जलने का भी डर लगा रहता है इसमें। देखिए, अच्छे से सिक गया है। अभी अभी हमने जो ये पानी गरम किया है वो इसमें धीरे धीरे डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, इसमें हमने ये सारा पानी डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट ऐसे ही ढक्कन लगाकर पकने देते हैं। देखिए, हमारे 5 मिनट हो गए, अभी हम ये देखते हैं। देखिए, पूरा पानी ऑब्जर्व हो गया, इसके अंदर सोख लिया इसने। देखिए, हमारी 6 से 1-1 दाना किया है। देखिए, पूरी अच्छे से मैश भी हो रही है। अब हम इस टाइम में ये गुड़ पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। आप गुड़ का पानी भी डाल सकते हो, वो गुड़ मेल्ट करके मैं अभी इसमें पाउडर डाल रही हूँ। आप चीनी से भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ से ज़्यादा टेस्टी बनती है। अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुड़ को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया पाउडर को। देखिए, कितनी अच्छी लग रही है, खिली खिली हो रही है। अभी इसको हम थोड़ा ऐसे ही पान पकाएंगे और इसी टाइम में हम इसमें 2 चम्मच नारियल बुरादा डालेंगे। इससे स्वाद और भी अच्छा, टेस्ट इसका बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप चाहें तो नारियल का सूखा गोला होता है, उसको लेके उसके छोटे छोटे पीस काट के वो भी डाल सकते हो, लेकिन आप एक बार ज़रूर मेरी तरह से भी ऐसे बुरादा भी डाल के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब इसको हम अभी और ऐसे अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट और पकाएंगे। ठीक, हमारी खिली खिली लापसी कितनी अच्छी टेस्टी दार खुशबू आ रही है। अब इसमें हम
थोड़ा सा घी ऊपर से और डालेंगे ऐसे। घी से और ज़्यादा इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके बाउल में सर्व करेंगे। इसको प्लेट में डाल दिया है, सर्व कर दिया है। अब हम हमारे देसी स्टाइल में गाँव राजस्थान में जैसे करते हैं उस स्टाइल में इसको करके खड्डा सा बना के बीच में, और इसमें घी डालते हैं। और घी से बहुत ही लाजवाब लगती है ये, इसमें जितना घी डालो बहुत कम रहता है। अच्छे से घी डाल दिया, इसमें हमारे बचे हुए किशमिश डाल देंगे, बादाम जो कटा हुआ बाकी बचा था वो डाल देंगे, और हमारे काजू भी डाल देंगे। देखिए हमारी लाजवाब मज़ेदार लापसी बनकर एकदम तैयार है। देखने में इतनी स्वादिष्ट लग रही है तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी होगी। और ये राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है, मतलब मिठाई है एक तरह से। इसको हर त्योहारों पर, हर शुभ कार्यों पर, किसी पे भी होता है, कोई भी छोटा सा छोटा ओकेजन होता है, ये सबसे पहले बनाई जाती है इसको। और शादी ब्याह में भी पहले गणेश जी का भोग भी इसी से लगाया जाता है। इसको आप खड्डी के साथ मिलाकर खाओगे या ऐसे भी खाओगे तो इतनी लाजवाब टेस्टी लगेगी, बस कहना ही क्या उसका। आप इसको बनाकर जरूर एक बार, मेरे कहने एक बार तो ट्राई कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और आगे से आगे मेरे वीडियो को शेयर लाइक कीजिए। धन्यवाद।